एक कमर में बाजी कमर फटी जा रही थी, एक खोपड़ी फटी जा रही बाजी खोपड़ी में एक बांस लगी। जो कोच के यहाँ बांस पड़ो है बाजी, मेरे इतना मारो मैं गिर गो, फिर मेरे कमर मारो बाजी इतना मारो मैं मना करो तो फिर हमें ये लोग कहते हैं भाई तू मना नहीं करता। मैं अकेले आदमी स्टेडियम में काम करो रहा, अब मार किसी को मना करो तो मैं मार खाऊं सर। सोहना के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में मालीकाम चौकीदार की नौकरी करने वाले संजीव नामक चौकीदार को उस समय टोटी चोरों का विरोध करना भारी पड़ गया, जिस समय खेल स्टेडियम में लगे पानी के आरओ की टोटी को कुछ युवक तोड़ रहे थे। जब चौकीदार ने टोटी तोड़ने के लिए उनसे मना किया तो टोटी तोड़ने वाले युवकों ने वहां पर पड़े बांस के डंडों से चौकीदार पर हमला बोल दिया और उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसे आनंद फानन में कस्बे के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गंभीर चोटों के कारण उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया। एक वो लग रही ठूठी आरओ की ठूठी लग रही बात तोड़ रहे बाबूजी, मैंने मना करी सर, मैंने छोरा को मना करी सर, तो मेरे को बांस से इतना मारो, जो कोच के यहाँ बांस पड़ो है बाबूजी, मेरे इतना मारो मैं गिर गो, फिर मेरे कमर मारो बाबूजी इतना मारो मैं बहुत मारो, मेरे फटा जा रहा मूड फटा जा, मैं हाथ फटा जा रहा। आपको दिखाई दे रहा है ये नजारा सोहना के नागरिक अस्पताल का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि घायल संजीव दर्द के मारे करा ही नहीं रहा बल्कि दर्द से चीख रहा है और अपने ऊपर बरसाए गए लाठी डंडों की चोट को मीडिया के कैमरे के सामने बता रहा है, जिसे खेल स्टेडियम के अन्य कर्मियों के साथ गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है। मैं अगर कोई काम बिगड़ रहा मना करो तो मैं मार खाऊं, और फिर हम और ना मना करो तो फिर हमें ये लोग कहते हैं भाई तू मना नहीं करता। मैं अकेले आदमी स्टेडियम में काम करो रहा, और मार किसी को मना करो तो मैं मार खाऊं सर। बता दें कि सोहना का ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम सोहना सिटी पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यहां से कुछ दूरी पर पुलिस की मोबाइल वैन भी खड़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी शरारती तत्वों को न तो पुलिस का खौफ है और न ही कानून का डर है। सरेआम दिन दहाड़े कभी मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं तो कभी यहां पर बैठकर नशा करते हैं, और जब यहां के चौकीदार द्वारा उनका विरोध किया जाता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि खेल स्टेडियम जहां मजनुओं का अड्डा बन गया है, वहीं यहां पर शरारती तत्वों का आतंक व्याप्त है, जो कि दिन ढलते ही इस स्टेडियम को मैखाना बना देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहां पर आने वाले शरारती तत्वों की शिकायत पुलिस को न दी गई हो। सोहना एसडीएम द्वारा भी स्टेडियम में आने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र पुलिस को लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी सोहना पुलिस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है और सोहना में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस की लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर जिले के आला अधिकारियों द्वारा किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।